और वही, क्या हालचाल सबके, कैसे हैं सब लोग? बहुत बुरे हैं हम। क्या दोस्तों, आप भी एक गेमिंग लवर हो, आप कहीं गेम खेलते हो? हाँ। सभी लोग गाइस आपको टोकते रहते, पेरेंट्स आपको टोकते रहते हैं, गेम मत खेल, कुछ नहीं होगा, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, तू मर जाएगा। अरे हाँ भाई हाँ। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, गेम खेलने से क्या नुकसान होते हैं, क्या आपको बेनिफिट होते हैं। साथ में गाइस मैं आपको बताने वाला आपको गाइस कब किस टाइम गेम खेलना चाहिए। यदि गाइस आप चैनल पे न्यू आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए कुछ वीडियो को कर लेना लाइक। गेमिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। जैसे कि हम शारीरिक रूप से गेम खेलते हैं, हमारे शरीर का विकास होता है, ग्राउंड में जाते हैं, हमारा शरीर गाइस बिल्कुल चुस्त फुस्त हो जाता है, वैसे गाइस मेंटली रूप से भी गाइस शरीर का विकास होना जरूरी है। सो गाइस ये ऑनलाइन गेम गाइस आप एक हद तक खेलते हो तो गाइस काफी अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले गाइस आपको पता करना है, आप ऑनलाइन गेम खेलते हो, आपको एडिशन तो नहीं है गेम से? कई प्लेयर्स को भी पता नहीं लगता है मुझे एडिशन है कि नहीं है। ये पता करने के लिए गाइस आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, जिससे गाइस आपको पता लग जाएगा कि आपको गाइस एडिशन है कि नहीं है। क्या आप गाइस सबसे पहले उठ के गाइस गेम को ओपन करते हो? उठने से मेरा मतलब गाइस जब आप बिस्तर से निकलते हो, क्या सबसे पहले आप भाई फ्रेश होते हो कि सबसे पहले फोन को पकड़ के गेम को लॉग इन करते हो? यदि गाइस आप ऐसा करते हो गाइस आप एडिशन का शिकार होने वाले हो, बहुत जल्दी आप गाइस एडिशन के रास्ते पे चल पड़े हो। पूरा दिन गाइस आप अपने सभी कामों को छोड़ते हो, आप गाइस ट्राई करते हो कब मुझे फ्री टाइम मिले और मैं गेम खेलूं। आपके घर से थोड़ी देर पेरेंट्स जा रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हो उनका मोबाइल ले और गेम को ओपन कर रहे हो। गैस करो गाइस आपके पेरेंट्स किसी फंक्शन में जा रहे हैं, सभी फैमिली मेंबर जा रहे हैं, बट गाइस आप मम्मी को मना कर रहे हो, मम्मी आज मैं फंक्शन में नहीं जाऊंगा। क्योंकि गाइस आप मम्मी से बोल सकते हो, पापा से ऐसा बोलो तो पता है आपको क्या होगा। यदि गाइस आप ऐसा करते हो, आप गाइस गेम निकालने के लिए अपना टाइम निकाल रहे हो, फंक्शन को अटेंड नहीं कर रहे हो, गाइस ये आपको गाइस प्रूव करता है आप गाइस एडिक्शन का शिकार हो चुके हो। मान लो गाइस आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, अपने फ्रेंड के साथ किसी फंक्शन में जा रहे हो, आपको जो फ्रेंड है गाइस आपके साथ गेम नहीं खेलता है, आप गाइस उसके साथ गेम की बातें कर रहे हो, फंक्शन चला है भाई, आप फंक्शन के बारे में बात कर सकते हो, बट आप फंक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हो। ये गाइस प्रूव करता है कि आपको गेम की एडिशन हो चुकी है। रात को आपके सपने में गाइस अज्जू भाई आते हैं, रात को आपके सपने में M10 आती है, AK आती है, प्रो प्लेयर आता है, गन की स्किन आती है, ये सब प्रूव करते हैं कि आपकी गेम में एडिशन बढ़ चुकी है, आप गाइस एडिशन का शिकार हो चुके हो। इन पॉइंट्स में गाइस कोई भी पॉइंट्स आपका सेम मेल खाता है, आपके साथ सेम चीज होती है, आपको कोई सावधान होने की जरूरत है, आपको गेम को थोड़ा कम खेलने की जरूरत है। चल झूठ। चलो गाइस अब बात करते हैं आपको गाइस किस टाइम गेम को खेलना चाहिए। ये गाइस आपके डेली रूटीन वर्क पे डिपेंड करता है, आपको गाइस कब और किस टाइम गेम खेलना चाहिए। सभी प्लेयर्स का टाइम अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, जो जॉब कर रहे हैं उनका अलग होता है, सबका अपना अपना अलग रूटीन वर्क होता है। इन्फॉर्मेशन की बात हो गई, इंडिया का सबसे पहला बैटल रॉयल गेम है गाइस फ्री फायर। इस गेम में गाइस सबसे ज्यादा किड्स गेम को खेलते हैं, मतलब जिनकी उम्र 18 साल से कम है, सबसे ज्यादा इस गेम को बच्चे खेलते हैं। बात करेंगे बच्चों की, आपको गाइस कब गेम को खेलना चाहिए। विशेषज्ञों के द्वारा पता लगाया गया, आपको गाइस दिन में 1 या 2 घंटे गेम खेलनी चाहिए। ये गाइस मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, बट गाइस आपको इससे भी कम खेलना है। ध्यान रखना गाइस, आपको सुबह बिल्कुल उठ के गाइस फोन को नहीं पकड़ना, क्योंकि गाइस रात को हमारी आंखें थोड़ी नम होती हैं गाइस, जब उस सुबह हम उठते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी कोमल होती हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए, जब भी गाइस हम अपनी आंखों से गाइस फोन को देखते हैं, गाइस अपनी आंखों से गेम को खेलते हैं, तो इस आंखों पे एक अलग सा इफेक्ट पड़ता है। आपने गाइस ज्यादातर आपने देखा होगा, जब भी आप बहुत ज्यादा टाइम गेम को खेलते हो, आपकी आंखों में जलन जैसी महसूस होने लगती है। सबसे पहले गाइस आप कर सकते हो कि आपको एक्सरसाइज करनी है, या गाइस अपने ठंडे पानी से अपने मुंह को अच्छे से वॉश कर लेना है। सबसे पहले आपको देखना है गाइस, आपको दिन में तो गाइस टाइम नहीं मिलेगा, आप दिन को स्कूल जाते हो, जल्दी गाइस आपको उठ के ना होमवर्क देख लेने दी रहा है तो भाई जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। सुबह गाइस आपको याद बहुत अच्छा होता है, तो गाइस आपको यदि कुछ चीज याद करनी है तो जल्दी से याद कर लेनी है, उसको पढ़ लेना है, उसके बाद दोस्तों आपको खेलनी है गेम। बेली की नागिन निकाली, मुन्ना पे डोला है अलगला। आप सुबह गेम नहीं खेल पाए हो, दिन को गाइस आप स्कूल जाते हो, गाइस शाम को आप ट्यूशन जाते हो, आपको ट्यूशन के बाद किस तरह होमवर्क कंप्लीट करना, जो भी गाइस स्कूल से होमवर्क दिया होगा उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। आप गाइस थोड़ी सी रेस्ट कर सकते हो, गाइस इतनी थकान में बंदा थक जाता है, दिन को स्कूल फिर ट्यूशन, तो गाइस बंदा बहुत ज्यादा थक जाता है। हो सके तो भाई 1 घंटा रेस्ट करनी है तो कर सकते हो आप। यदि आपके घर वाले जो डिनर करते हैं वो गाइस आप बहुत लेट करते हो, तो गाइस आप बिल्कुल जल्दी गाइस गेम को खेल सकते हो। यदि आपके घर वाले डिनर को जल्दी कर लेते हैं, आप गाइस डिनर के बाद भी गेम को खेल सकते हो। याद रखना गाइस आपको रात में कम से कम 8 घंटे सोना है। तू समझा? हाँ। अब गाइस बात करते हैं आपको गेम खेलने के क्या फायदे होने वाले हैं। यदि गाइस आप गेम को लिमिटेड खेलते हो तो गाइस आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, बट गाइस अभी इस गेम को आप अनलिमिटेड खेलते हो तो भाई गेम से आपको नुकसान ही नुकसान होने वाले हैं।
ये गाइस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं आपकी आंखों पे थोड़ा असर डालते हैं, बट गाइस इनको स्पेशली ऐसे तरीकों से बनाया जाता है जिससे गाइस आपकी आंखों पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। बट गाइस आपको मिनिमम डिस्टेंस पे गाइस इन चीजों को यूज करना चाहिए, तब गाइस आपकी आंखें सही रहेंगी। जब गाइस आपको अपने मोबाइल से गेम खेलनी है, आपको अपने मोबाइल और आंखों का डिस्टेंस 1 फुट रखना है। इट मींस गाइस आपको 30 सेंटीमीटर दूर रखना है अपने मोबाइल को। गेम खेलने के फायदे के बारे में बात करेंगे, आप जब भी गेम को खेलते हो, गेम में बात करेंगे आपको यहाँ पे उतरना होता है एरोप्लेन से, उतर के आपको एक मिनिमम मैप में छोड़ दिया जाता है जहाँ पे गाइस अलग अलग बंदे इस गेम को खेलते हैं। जैसे गाइस आप जहाज से उतरते हो आपके साथ काफी बंदे उतरते हैं। अब गाइस आपको कुछ चीजों को नोटिस करना पड़ता है, आपको सबसे पहले गाइस ये देखना पड़ता है आपको किस घर में लैंडिंग करनी है, इसके साथ आपको देखना पड़ता है आपके साथ कौन एनिमी उतर रहा है, साथ साथ में गाइस आपको देखना पड़ता है कि नीचे कौन सी गन पड़ी है। इतना सब देखना गाइस नॉर्मल बंदा इस चीज को कभी भी नोटिस नहीं कर सकता। इट मींस गाइस जो भी गेमिंग लवर होते हैं उनके गाइस जो आई, जी हां दोस्तों, गाइस जो आपके देखने की क्षमता होती है, यदि आपकी आंखों के सामने कुछ चेंजिंग हो जाता है तो आप एकदम गाइस उसको पकड़ सकते हो मेरी आंखों के सामने क्या चेंजिंग हुआ है, जो कि गाइस नॉर्मल बंदा इस चीज को नोटिस नहीं कर सकता है। जब भी गाइस आप किसी गेम को खेलते हो आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है, वरना गाइस आपको मरने या मारने की गेम होती है, वरना गाइस आप नहीं लोगे डिसीजन तो सामने वाला बंदा आपको मार देगा। यदि गाइस आप गेम खेलते हो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता काफी हद तक ज्यादा होती है नॉर्मल प्लेयर से। इट मीन दोस्तों आपके गाइस रियल लाइफ में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपको गाइस डिसीजन लेना पड़ता है। सो गाइस जितने भी गेमिंग प्लेयर होते हैं वो एक बेस्ट डिसीजन ले पाते हैं ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में। यदि गाइस आप बिल्कुल डिप्रेशन में हो, गाइस आप किसी पे गम पे हो, भाई किसी की जीप छोड़ के चली गई है, भाई कोई बंदा मर चुका है, या भाई कोई बिल्कुल भाई अपना सगा संबंधी ने आपको धोखा दे दिया है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, यार। आप गाइस इस डिप्रेशन को गाइस चुटकियों में गाइस सॉल्व कर सकते हो। जैसे गेम को खेलते हो आपका टाइम कब गाइस स्पेंड हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा, और गाइस आप सब कुछ भूल के गेम पे पूरा फोकस करोगे। जितने भी गाइस गेमिंग लवर होते हैं, जितने में गाइस गेम खेलते हैं बंदे, जो गाइस उनका जो दिमाग होता है गाइस काफी शार्प होता है। बात करें गाइस रियल लाइफ में कई बंदे ऐसे होते हैं भाई जो अकेले काम करना पसंद करते हैं, बट गाइस यदि आपको सक्सेस प्राप्त करनी है आपको गाइस टीम वर्क का पता होना चाहिए। यदि गाइस आप गेम खेलते हो आपको पता होता है गाइस आप यहां पे स्क्वाड और डियो में गेम खेलते हो, आपको गाइस यहां पे न्यू फ्रेंड से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। साथ में गाइस जब आप गेम प्ले कर रहे हो गाइस आपको यहां पे अपनी अपनी ड्यूटी बिल्कुल अच्छे तरीके से निभानी होती है, आपको गाइस यहां पे टीम वर्क का मतलब समझ आता है। रियल लाइफ में कुछ बंदे ऐसे होते हैं गाइस उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, बट गाइस उस नॉलेज को वो बाहर नहीं निकाल पाते, मतलब गाइस बोलने में काफी ज्यादा शर्माते हैं। यदि गाइस आप गेम खेलते हो आप गाइस धीरे धीरे न्यू फ्रेंड से गाइस बातें करने लगते हो, गाइस आप यदि गाइस बोलने में शर्माते हो तो गाइस आपके लिए गेम बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इसको खेल के आप गाइस अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसे तो गाइस गेम प्ले करने के काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं, बट गाइस किसी चीज के प्रॉफिट होते हैं तो उसके लॉस भी होते हैं। ये गाइस जितनी भी गेम होती है, जितनी बैटल रॉयल गेम होती है, इन गेम्स में कुछ ऐसा फीचर पाया जाता है, एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है जो गाइस आपको इसकी एडिशन का आदि बना देता है। सभी प्लेयर्स का गाइस एम होता है, सभी की ह्यूमन लाइफ में गाइस एम होता है जो गाइस कुछ अच्छा कर सके, सब बंदों की हेल्प कर सके, और गाइस सबसे अलग कुछ करके दिखा सके, सबसे आगे रहे। साथ में हर बंदा चाहता है कि वो इस स्वतंत्रता के साथ रहे, उसको कोई रोके टोके नहीं, वो अपनी मर्जी से जहां जाए वहां जाए, और ये सारी चीजें गाइस आपको गेम में देखने को मिलती है, जिसके कारण गाइस आपको बहुत जल्दी ये गेम पसंद आ जाती है। और गाइस यदि आप दिन में गाइस बहुत ज्यादा गेम खेलते हो, हालांकि गाइस काफी बंदों से देखा गया है जो बंदा गेम का एडिक्टेड हो जाता है वो कम से कम गाइस 5 घंटे से ज्यादा गेम को खेलता है, उससे गाइस ढंग से गाइस सोए भी नहीं जाता है, वो रेस्ट भी नहीं करता है, रात को उसको गेम के सपने आते हैं, पूरी रात गेम की बातें करता रहता है, सुबह उठ के भी गेम की बातें करता रहता है। और गाइस यदि रियल लाइफ में बात करो ऐसी आपको स्वतंत्रता देखने को नहीं मिलती है। सो गाइस जो बंदा गाइस ज्यादा गेम को खेल पाता है वो इस रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, यही कारण है गाइस वो जल्दी से गाइस इरिटेट हो जाता है, अपने घर वालों से ऊंची आवाज में बात करता है, उनको गालियां दे देता है, गाइस कुछ ऐसा करने की ट्राई करता है जिससे गाइस वो अलग हो सके। आप गाइस इन बैटल रॉयल गेम को गाइस बिल्कुल प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, इसके लिए गाइस आपको कोई भी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। गाइस यदि आप इस गेम में गाइस प्रो प्लेयर बन जाते हो, आप सभी बंदों को मारते हो, अपने आप को कुछ अलग करना चाहते हो, आपको यहाँ पे गेम के अंदर काफी सारे इवेंट देखने को मिलते हैं जो कि गाइस आपको पैसे लगाने पे बाधित कर देते हैं, बट गाइस जितने भी आपको यहाँ गेम में गाइस जो
भी इवेंट देखने को मिलते हैं, जितने में क्लोथीज देखने को मिलते हैं, गन स्किन देखने को मिलती है, ओरिजिनल लाइफ में गाइस आपको इसका 0% भी देखने को नहीं मिलता है। सो भाई जाहिर सी बात है घर वाले आपको मना करते हैं पैसों के लिए, बट गाइस बंदे को गाइस इतनी एडिशन हो जाती है, आप गाइस घर वालों के पैसे चोरी करने लग पड़ते हो, ट्राई करते हो गाइस कहां से मैं पैसे इकट्ठे करूं और गाइस गेम में टॉप अप करूं। यदि कोई बंदा अमीर है वो टॉप अप कर भी लेता है तो गाइस वो अपने फ्रेंड को बताता है, देख मैंने टॉप अप कर लिया। और गाइस इसी जलन के कारण गाइस आप उससे जलते हो, आपका मन करता है पेरेंट्स को गालियां देते हो, मम्मी मुझे भी ये लेना है, मुझे भी ये लेना है, मुझे भी ये लेना है, जो कि गाइस एक बहुत बुरी बात होती है। ये तो गाइस बात सच है कि गेम से काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, बट गाइस आप इसको यदि अनलिमिटेड टाइम तक खेलोगे, इसका कोई लिमिटेड टाइम नहीं रखोगे, तो इस आपको काफी सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। आपने गाइस देखा होगा जब भी गाइस आप गेम को खेलते हो, यहाँ पे गाइस यदि आप गेम को बहुत ज्यादा खेलते हो, आपको गाइस फोकस पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, आंखों का एक गाइस फोकस पॉइंट होता है, जब भी गाइस आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के बाहर देखोगे, इधर उधर देखोगे, आपको सब कुछ ब्लर नजर आता है। धीरे धीरे गाइस आपकी आंखों की जो गाइस स्मरण शक्ति है, जो गाइस सहने की क्षमता है, वो गाइस खत्म हो जाती है, और गाइस अंत में गाइस आपके रेटिना पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे तो गाइस गेम के भी बहुत सारे नुकसान है गाइस, आपको ऑनलाइन गेम गाइस लिमिटेड टाइम में खेलना चाहिए, बट गाइस जो बंदा इस गेम को खेलता है वो धीरे धीरे गाइस इसका आदी हो जाता है, इसका एडिक्टेड हो जाता है। आई नो दोस्तों गाइस अभी भी काफी ज्यादा जानकारी गाइस इस वीडियो में बाकी है, बट गाइस वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। इन लास्ट गाइस मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आप गेम को एंजॉय में खेलो, यदि आप हार जाते हो गाइस रो मत यार भाई, आप गाइस इसको एंजॉय में खेलो। आप यहां पे कोई राउंड हार जाते हो आपका रैंक माइनस हो जाता है, तो गाइस आपको इंजॉय में लेना है गाइस, उसको दोबारा प्लस कर लेंगे, आपको गेम को लिमिटेड टाइम तक खेलना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।